नमस्कार बच्चों, मैं भोला यादव आपको आज हम प्रोटीन की तृतीय संरचना के बारे में बताएंगे। बच्चे, तृतीय संरचना जो होती है वही एमीन ग्रुप जो है आपस में जुड़ जुड़ करके बनते हैं और ये कुंडलित होते हैं। कुंडलित का मतलब बच्चे एकदम ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। ये संरचना इसको देख लीजिए आप, ऐसे ऐसे इसमें भी वही होता है, ठीक ना। कार्बन कार्बोक्सिलिक एमीन ग्रुप के बीच वही पेप्टाइड बांड बनता है, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इसी तरह से संरचना जो है बनती है। और इसमें जो बनता है, देखिए बच्चे, इसमें कार्बोक्सिलिक और एमीन ग्रुप के बीच हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ आकर्षण बल भी लगता है, जिसके कारण ये एक बहुत स्ट्रांग मजबूत होता है। और इसके स्ट्रांग और मजबूत बॉन्ड बनने के कारण ये जो होते हैं ये कोलेजन नामक प्रोटीन। अब कोलेजन आपको समझ में नहीं आता होगा, जैसे कोलेजन का ये जो होती हैं ये प्रोटीन रेशेदार होती हैं, रेशेदार, जैसे आप मुर्गे की जांग, लोग कहते हैं ना लेग पीस, या बकरे की जो मांस खाते हैं लेग पीस, तो जो जांग में, या मानव अपनी मुसरी जो देखते हैं हम ऐसे खींचते हैं तो भुजाओं की भुजाएं फूलती हैं, तो वहाँ रेशेदार प्रोटीन होते हैं, ठीक ना, वही कोलेजन होता है, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रोटीन का निर्माण होता है वह तृतीय संरचना के होते हैं। अगर लेग पीस आप खाए होंगे बकरे का, तो उसको खाने के बाद वो देखे हों कि पतले पतले धागे के रूप में वह छोड़ता है, हाथ से भी छोड़ा करके आप प्रैक्टिकली उसका कर सकते हैं, ठीक है। या और भी होता है, यह तृतीय जो होते हैं ये स्ट्रांग होने के कारण, ठीक ना, शरीर में एंजाइम्स नामक प्रोटीन एंटीबॉडीज जो शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, ठीक ना, बॉडीज, मायोसिन मूल रूप से पेशियां जो होती हैं, ठीक ना, इस तरह के प्रोटीन का निर्माण जो है यह तृतीय संरचना के अंतर्गत आता है, यानी तृतीय संरचना जो है इसको करती है, ठीक है ना बच्चे। तो इस तरह से प्रोटीन की जो तीन आते हैं, अब ये प्रश्न पूछेगा आपको कि प्रोटीन क्या है, ठीक ना, प्रोटीन के प्रथम या द्वितीय या तृतीय संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये चित्र आप दिखाएंगे, बना करके दिखाएंगे जो हम दोनों तीनों आपको बताए हैं। इस तरह से बताने के बाद ही आप इस पर करेंगे, आपको फुल नंबर मिलेगा। और हर साल पूछता है, आप मॉडल पेपर उठा करके देखिएगा, प्रोटीन से उठाता है तो प्रोटीन क्या है और उसकी प्रथम द्वितीय संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। इसलिए बच्चे यह कंप्लीट हुआ, इसको आप विशेष रूप से पढ़ने का कार्य करेंगे, इस साल आपके सिलेबस में है। थैंक यू बच्चों।